कांग्रेस के एक नेता ने यहां पर आकर के नक्सलवादी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर रहे हैं, चोरी छिपे छद्मवेश में हमारे बहादुर जवानों पर हमला करते हैं, कांग्रेस के नेता बेशर्मी के साथ उन नक्सलवादी देशद्रोही तत्वों को क्रांतिकारी कहकर के महिमामंडित कर रहे हैं। यही कांग्रेस की असलियत है मित्रों, यही कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। ये वही कांग्रेस है जिसके कारण पूर्वोत्तर का राज्य अलगाववाद की चपेट में आया है, और ये वही कांग्रेस है जिसकी गलत नीतियों के कारण इस देश में नक्सलवाद भड़का है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, कांग्रेस इस देश के मानबिंदों की सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, कांग्रेस इस देश की सुरक्षा करने में विफल रही है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को अधिकाधिक बढ़ावा दिया, कांग्रेस ने इस देश के गरीबों के हितों के लिए कभी कोई योजना नहीं चलाई, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, सत्तामी समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कोई भी योजना कांग्रेस ने कभी नहीं चलाई।